हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो आज हम बात करेंगे इंडिया मालदीव के रिलेशंस के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा एक पैकेज अनाउंस किया गया मालदीव्स के लिए, जो मालदीव में कोविड-19 की वजह से जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आई है उससे निपटने के लिए। तो ये क्या है, इसके बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ जो मालदीव्स का चाइना और इंडिया के साथ में जो रिलेशंस है उन सब पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अभी रिसेंटली इंडिया के द्वारा यहाँ पे कमिटमेंट की गई कि मालदीव को वे 5 प्रोलॉन्ग्ड पैकेज दिया जाएगा, जिसमें बेसिकली एयर टाइप की या फिर सी टाइप की या इंट्रा आइलैंड और टेलीकम्युनिकेशन टाइप की जो हेल्प्स हैं वो सब प्रोवाइड कराई जाएंगी मालदीव्स के लिए, जो मालदीव में कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट आया उससे डील करने के लिए। तो सबसे पहले हम उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन अगर देखें मालदीव की, तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। इंडिया के इधर साइड में यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड होता है, ठीक है। लक्षद्वीप आइलैंड के जस्ट नीचे यहाँ पे लक्कड़ीव सी होता है, लक्कड़ीव सी के जस्ट नीचे है मालदीव्स, जिसकी कैपिटल माले है। यहाँ पे कई सारी जगह से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि थिलाफुंसी जो कि एक इंडस्ट्रियल आइलैंड है जो टूरिस्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा विलिंगली जो कि एक फेरी टर्मिनल है। तो अब अगर हम बात करें इस पैकेज की, तो पैकेज में 5 डील हैं, एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहली है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसको GMCP भी बोलते हैं। ये एक फाइनेंशियल पैकेज है जिसमें बेसिकली $100 मिलियन का जो ग्रांट है वो दिया जाएगा इंडिया के द्वारा मालदीव्स को। उसके साथ साथ में एक नया लाइन ऑफ क्रेडिट दिया गया है $400 मिलियन का। लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब जैसे $400 मिलियन का दिया गया, जब भी मालदीव को अगर ज़रूरत पड़े तो वो इस लाइन ऑफ क्रेडिट से पैसे ले सकती है इंडिया से। ये लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब ये होता है बेसिकली जब उस कंट्री को ज़रूरत पड़ेगी तो उस टाइम पे ये यहाँ से पैसे ले सकते हैं, ये जो $400 मिलियन का अमाउंट है इसमें से। और जो ये बेसिकली जो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम या फिर ग्रेटर माले कनेक्टिविटी जो प्रोजेक्ट होगा, ये लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है मालदीव्स का, जिसमें बेसिकली कई सारे जो आइलैंड्स हैं जैसे कि माले जो मालदीव्स की कैपिटल है उसको 3 नेबरिंग आइलैंड जो हैं विलिंगली, जिसके बारे में अभी हमने देखा, उसके पास में ही है गुलहिफालू, ठीक है, जो कि एक पोर्ट है जिसको कि इंडिया की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, ये जो $400 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट है इसके अंडर ही इसको बिल्ड किया जा रहा है। और उसके अलावा जो एक इंडस्ट्रियल जोन अभी हमने देखा थिलाफुसी, इन तीनों के साथ में कनेक्ट करेगा यहाँ पे मेनली जो ये ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसकी हेल्प से बेसिकली जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं मालदीव्स में उन सबको, उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट है उन सबको इम्प्रूव किया जा सके, एक तरीके से बूस्ट किया जा सकेगा जो इसकी कैपिटल है माले वहाँ की रीजन में। और उसके अलावा सेकंड है डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस, इसमें बेसिकली इंडिया और मालदीव के बीच में एक कार्गो फेरी सर्विस चलाई जाएगी। ये सर्विस बेसिकली जो भी सी कनेक्टिविटी है इंडिया और मालदीव के बीच में, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो भी होता है उन सबको बढ़ाने के लिए, उनकी सप्लाईज़ को इन्हेंस करने के लिए इस डायरेक्ट कार्गो फेरी सर्विस को चलाया गया है। इसके साथ साथ में एक एयर ट्रेवल बबल भी बताया गया है इस पैकेज में, जो इंडिया और मालदीव के बीच में होगा। इसमें बेसिकली जो लोग होते हैं जैसे कि इंडिया और या फिर मालदीव के जो लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट के लिए, टूरिज्म के लिए या फिर मेडिकल इमरजेंसीज के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। मालदीव जो है वो फर्स्ट नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, जिसके साथ में इंडिया के द्वारा एयर बबल की ये जो फैसिलिटी है, ये एयर ट्रेवल बबल की जो फैसिलिटी है इसको ऑपरेशनलाइज किया गया है। और इसके साथ साथ फोर्थ वन है जो असेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं, जैसे फूड आइटम्स हो गए या फिर स्टोन्स हो गए, फूड सिक्योरिटीज़ हो गई, जो भी असेंशियल कंस्ट्रक्शन के आइटम्स हैं उन सब की अगर सप्लाई की बात करें तो उसके लिए भी एक कोटा अवेलेबल कराया गया है इंडिया के द्वारा मालदीव्स के लिए। इस कोटा को 2020-21 के लिए रिन्यू किया गया है वापस से। और इसके साथ साथ ही एक एडिशन में $250 मिलियन का एक फाइनेंशियल एड भी प्रोवाइड कराया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प भी दी जाएगी मालदीव्स को इंडिया के द्वारा। अब इस चीज़ का अगर इंडिया मालदीव चाइना के जो रिलेशन है उन सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया के द्वारा जो ये एड या फाइनेंशियल हेल्प जो दी जा रही है इसको चाइना के द्वारा वैसे तो अप्रिशिएट किया जा रहा है, ठीक है, कमर्शियल लोन जो भी दिया जा रहा है, बट यहाँ पे इसको ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये चाइना की जो डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना की है उसके साथ में ही ये मिलती जुलती है। चाइना की जो डेब्ट ट्रैप
डिप्लोमेसी जो है इसके बारे में आपको स्टडी काउच पालक से वीडियो भी मिल जाएगी। बट आप नॉर्मल तरीके से ये समझ लीजिए कि इसमें ऐसा होता है कि जिस चाइना जो है किसी भी कंट्री को ठीक है पैसा दे देता है अच्छा खासा, तो उस सिचुएशन में फिर वो उसके डेब्ट में चली जाती है कंट्री डेब्ट, और फिर जो चाइना जैसा चाहता है वैसी सिचुएशन उसके लिए क्रिएट होती है वहाँ पे। जो जो भी फैसिलिटी वो उस कंट्री से चाहता है वो कर सकता है क्योंकि वो तो डेब्ट में चली गई है पहले से ही। तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। और जो ये GMCP वाला जो प्रोजेक्ट था जिसको कि ये बोला जाता था ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है बेसिकली, ये इसको कंपेयर किया जा रहा है चाइना के द्वारा एक सिने माले फ्रेंडशिप ब्रिज बिल्ड किया गया था उसके द्वारा। उसमें भी जो माले है जो मालदीव्स की कैपिटल है उसको दो और आइलैंड्स के साथ में कनेक्ट किया गया था। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सिने माले फ्रेंडशिप ब्रिज जो है चाइना के द्वारा जिसको मालदीव्स में बिल्ड किया गया है उससे उसका एक बड़ा वर्जन है GMCP। और उसके साथ साथ में इंडिया के द्वारा 2018 में सॉरी दिसंबर मंथ के 2018 में इंडिया के द्वारा मालदीव्स के लिए 800 मिलियन डॉलर का एक लाइन ऑफ क्रेडिट भी अनाउंस किया गया था। अब अगर हम इंडिया मालदीव के जैसे ये सेटबैक्स जो रिलेशन में आया है इंडिया और मालदीव्स के, ये बेसिकली 2017 में आया था जब मालदीव्स के द्वारा 2017 में चाइना के साथ में एक FTA साइन कर दिया गया था। बेसिकली जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है मालदीव्स उसमें एंटर कर गया था चाइना के साथ में। बट उसके बाद में जब इलेक्शंस हुए मालदीव्स में तो वहाँ पे प्रो इंडिया गवर्नमेंट आई, तो उसके बाद में जो अभी की वहाँ की गवर्नमेंट है मालदीव्स की वो बेसिकली ये जो FTA है चाइना के साथ में इससे भी खुद को पुल आउट करने की ट्राई कर रही है। तो जिससे कि जो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे आगे जाके हो पाएंगे। और ये प्रो इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद में मालदीव्स में 2018 में सितंबर 2018 के बाद से इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस हैं या फिर बायलैटरल विजिट्स हैं वो भी काफ़ी बढ़ी। जैसे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था मालदीव्स में सितंबर 2018 में, जब प्रेसिडेंट वहाँ के जो प्रेसिडेंट बने थे सोली उनकी जो स्वेरिंग सेरेमनी थी उसमें विजिट किया गया था। उसके बाद में दिसंबर मंथ में 2018 में जो मालदीव के प्रेसिडेंट थे उनके द्वारा भी इंडिया को विजिट किया गया था। और अभी रिसेंट की बात करें तो 21 फरवरी 2020 को जो होम मिनिस्टर हैं दोनों कंट्रीज़ के मालदीव्स के और इंडिया के जो होम मिनिस्टर हैं उन सब के द्वारा भी एक मीटिंग की गई थी। तो इस टाइप से उनके रिलेशंस जो हैं इंडिया और मालदीव्स के अब धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंडिया और मालदीव के रिलेशंस और चाइना के रिलेशंस के बारे में। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।